हेलो जी, राम राम जी। आप सबका स्वागत है सावित्री जी की रसोई में। आज मैं बनाऊंगी लौकी के कोफ्ते। लौकी के कोफ्ते कैसे बनाते हैं देखिए। मैंने एक लौकी ली है, बेसन टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है मिक्सी में पीस के। अगर किसी के पास मिक्सी ना हो तो वो कद्दूकस भी कर सकता है। मिक्सी में ही मैंने प्याज को भी पीस लिया है, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, हींग, जीरा पाउडर, गरम मसाला, किचन किंग और हींग। देखिए लौकी मैंने कट ली है। अब इसमें हम बेसन और मसाले ऐड करेंगे। लौकी में हमें पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि लौकी में पहले से ही पानी होता है और बेसन हम अपनी जरूरत के हिसाब से डालेंगे। जितना हमें जरूरत है उतना ही डालेंगे। अगर हमको थोड़ा पतला लगेगा तो हम बाद में डाल लेंगे। नमक स्वाद अनुसार, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला, किचन की। अब इसको हम हाथ से मिलाएंगे। ये देखिए हमारा थोड़ा ठीक है, अभी मतलब मोटा है। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। किसी किसी लौकी में पानी ज़्यादा होता है और किसी लौकी में कम होता है, तो इसमें थोड़ा पानी कम था। ये बिल्कुल एकदम कच्ची थी तो सिर्फ मैंने ये एक बूंद पानी से किया है। बस हमें ऐसा ही चाहिए इसका बैटर। ये देखिए हमारा बैटर एकदम तैयार हो गया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। कढ़ाई मैंने पहले से ही रख दी थी और मेरा तेल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें छोटे छोटे गोले बनाकर छोड़ेंगे। देखिए कोफ्ते हमारे बन गए हैं। देखिए जो मेरा एक्स्ट्रा तेल था वो मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी। जीरा मेरा देखिए प्याज हमारी अच्छे से भुन गई है। अब इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। इसे भी हम थोड़ी देर भून लेंगे। देखिए हमारा अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट भी अच्छे से भुन गया है। अब इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च आधी चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर,
गरम मसाला, जीरा पाउडर और किचन किंग। एक चम्मच मसाला, ये मैंने घर पे ही मसाला बनाया हुआ है, इससे सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए मसाला हमारा भुन गया है, अब इसमें सबसे बाद में टमाटर पूरी। देखिए हमारा मसाला भुन गया है, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हिसाब से पानी सब्जी में डाल सकते हो, आपको पतली रखनी है या गाढ़ी रखनी है, आप उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हो। आप इस सब्जी को पराठे के साथ, चावल के साथ और रोटी के साथ भी खा सकते हो। इसमें एक उबाल आ जाएगा तब हम जो मैंने लौकी के कोफ्ते बनाए हैं वो इसमें ऐड करने हैं। ये देखिए हमारी ग्रेवी में उबाल आ गया है अच्छे से, अब मैं इसमें कोफ्ते ऐड करूंगी। अभी हम इसे 15-20 मिनट के लिए उबाल लगाएंगे। देखिए ग्रेवी में मैंने सारे कोफ्ते डाल दिए हैं, ये जो कोफ्ते मैंने बनाई है ये सारा पानी सोख लेंगे और सब्जी हमारी पतली नहीं रहेगी, एकदम अच्छी और गाढ़ी सब्जी बनेगी। तब बन जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। हमारी सब्जी बन गई है और हमारा एक भी कोफ्ता फटा नहीं है, ये देखिए कितने अच्छे से दिख रही है, दुगना हो जाएगा। हमारे कोफ्ते की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप मुझे कमेंट में बताना कि मेरी जो कोफ्ते मैंने बनाई हैं इनका तरीका आपको कैसा लगा, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।